हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि JioFi का पासवर्ड या फिर यूजर नेम कैसे चेंज किया जाता है। इसे मैं दो मेथड से बताऊंगा, पहला ऐप के द्वारा और दूसरा वेबसाइट के द्वारा। आपको जो मेथड पसंद आए आप उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला मेथड है ऐप के द्वारा, जिसके द्वारा आप JioFi का पासवर्ड और यूजर नेम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है हॉटस्पॉट मैनेजर फॉर JioFi। इस ऐप को डाउनलोड करना है। ध्यान रहे कि आपका JioFi जो है वो आपके डिवाइस से कनेक्ट रहना चाहिए, मतलब वाईफाई कनेक्ट रहना चाहिए। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है आपका बैटरी लेवल कितना है, आपके डिवाइस से कितने यूजर कनेक्टेड हैं, आपका कनेक्शन टाइम कितना देर से है और इसका सिग्नल स्ट्रेंथ कितना है। आपको दिखेगा लिस्ट ऑफ यूजर कनेक्टेड, यानी आपके जो JioFi है उसे कितने यूजर कनेक्टेड हैं। इसे नीचे आने पर आपको चेंज SSID एंड पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप अपना न्यू यूजर नेम और पासवर्ड न्यू वाला डाल सकते हैं और इसे डालकर आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा नो पासवर्ड का टैब, जिस पर आप अगर आपको पासवर्ड नहीं डालना है यानी आपके JioFi को ओपन ही रखना है तो आप नो पासवर्ड पर क्लिक करके सेव कर दीजिए। अगर आपको पासवर्ड डालना है तो आप मैनुअली पासवर्ड डाल सकते हैं। तो मैं पासवर्ड तब तक डाल लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पासवर्ड चेंज कर लिया है। उसके बाद नीचे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यस वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। यहाँ आपको नया यूजर आईडी और पासवर्ड दिखा रहा है। उसके बाद आपको अपने JioFi को रीस्टार्ट करना है और आपका पासवर्ड चेंज हो जाए। अब मैं आपको JioFi का पासवर्ड और यूजर नेम वेबसाइट के थ्रू चेंज करने के लिए बताऊँगा। इसके लिए भी आपको अपने डिवाइस को JioFi से कनेक्टेड रखना होगा, तभी आपका ये वेबसाइट खुलेगा, नहीं तो ये वेबसाइट ही ओपन नहीं होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया रहेगा जिसका नाम है JioFi.local.html। इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर में लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, आपको वहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करना है। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों में आपको एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, आपको वहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाने पर नीचे वाईफाई का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ SSID का ऑप्शन दिखेगा, ये आपका यूजर नेम है। आप यहाँ से अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हैं JioFi का, तो आप यहाँ से अपना यूजर नेम टाइप कर लीजिए। अगर आपको यूजर नेम नहीं चेंज करना है तो आप वैसे भी रहने दे सकते हैं। नीचे आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए सिक्योरिटी की का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड न्यू वाला एंटर करना है। आप यहाँ पर अपना नया पासवर्ड एंटर कर लीजिए। मैं अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद नीचे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको JioFi को रीस्टार्ट करना है। आपका सक्सेसफुली पासवर्ड और यूजर नेम चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने JioFi का पासवर्ड और यूजर नेम चेंज कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।